चल रहे माल प्रैक्टिसेस को एड्रेस करना होगा, जो माल प्रैक्टिसेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर चल सिटी के साथ जो पेपर कंडक्ट करवाने चाहिए थे जम्मू कश्मीर बोर्ड, कहीं ना कहीं उसमें पूरी तरह से फेल हुआ है। कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को रोकने का पूरी तरह से प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज की जो प्रेस वार्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर की ओर से जो आयोजित की गई, उसमें मूलतः हम 6 मुद्दे जो हैं उन्होंने हमने टच किए हैं। सबसे पहला जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर बोर्ड के द्वारा जो एक पेपर लीक की वारदात पिछले दिनों सामने आई, उसकी विद्यार्थी परिषद निंदा करती है और सरकार से ये आग्रह करती है कि कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन इस चीज़ का निकाला जाए ताकि पेपर लीक जो घटनाएं हैं वो ना हों। दूसरा, जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कठुआ ने एक सराहनीय कदम लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि कुछ एक परमानेंट फैसिलिटी, परमानेंट प्रोविजन पॉलिसी कुछ इस प्रकार से बनाई जाए कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, फिक्सेशन ऑफ फीस के ऊपर एक पॉलिसी के तहत हम लोग कुछ उसके ऊपर वर्क कर सके। तीसरा विषय, जो अभी पिछले दिनों बॉर्डर के ऊपर, अभी आज भी हमारे शंब एरिया के जो शहीद हैं, शंब एरिया के जो नागरिक थे वो शहीद हुए, फौजी जो शहीद हुए उनकी हम उनको उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि बॉर्डर जम्मू कश्मीर का हमेशा टेंशन में रहता है जिसकी वजह से बॉर्डर के स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो प्रभावित होती है, उसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पे रेजिडेंट हॉस्टल, रेजिडेंट स्कूल्स का प्रोविजन विद्यार्थी परिषद ने सरकार को फॉरवर्ड किया है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन की ओर लेकर चलें। जम्मू विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर इस समय जिस प्रकार का टर्मोइल चल रहा है, इस समय जिस प्रकार की स्टूडेंट डिवीजन हमें देखने को मिली है वहाँ पर, उसकी विद्यार्थी परिषद पूरी तरह से जो जिम्मेवारी है वो जम्मू कश्मीर, जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को लेनी चाहिए और जम्मू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की जो एक पॉलिसी स्टूडेंट को डिवाइड एंड रूल की, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जो इस समय हमारी मैल प्रैक्टिसेस जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर चल रही है अपनी कमियों को छुपाने के लिए, वो कमियां क्या हैं, 117 करोड़ रुपए जो 2012 में सरकार की एक पॉलिसी के तहत जम्मू विश्वविद्यालय को दिया गया था वो लैप्स हुआ है पूरी तरीके से, यूनिवर्सिटी उस फंड्स को एलोकेट करने में फेल हुई है जिसकी विद्यार्थी परिषद निंदा करती है। और अब हम लोग ये मांग करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर सरकार है और चांसलर, प्रो चांसलर हैं, वो इसमें पूरी तरह से इंटरवीन करें क्योंकि जिस प्रकार का टर्मोइल अभी जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर है वो किसी भी प्रकार से छात्रों हितों के लिए नहीं है। पांचवा विषय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, हॉस्टल्स और क्लासरूम्स को सेकेंड प्रायोरिटी दी जा रही है और जबकि जो एकेडमिक ब्लॉक्स हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो फंड्स को यूटिलाइज कर रही है। हम लोग इसका मांग करते हैं कि फंड्स सही तरीके से यूज़ हों। और अंत में, नायब तहसीलदार की परीक्षा में उर्दू का कोई बहिष्कार नहीं है, भाषा तो स्वीकार है पर व्यवस्था का बहिष्कार है, उर्दू को प्राइमरी लेवल पर भी लाना चाहिए हमारी।